हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस बीस्ट। आई एम प्रियांशु सिंगल। आई एम अ प्रैक्टिशनर ऑफ कराटे एंड मिक्स मार्शल आर्ट्स सिंस 3 इयर्स। आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस एंड माय नॉलेज अबाउट फिटनेस एंड हेल्थ इन माय व्लॉग्स फ्रॉम नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडेज टॉपिक इज हाउ टू रिड्यूस अ बेली फैट। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि बेली फैट होता क्या है। पहले हाउ, व्हाट इज बेली फैट? बेली फैट इज द स्किन, वो चर्बी या फिर स्किन जो आपके पेट के आसपास जम जाती है, अगर आप ज़्यादा खाना खाते हो तो, उसको कहते हैं बेली फैट। और उसको कम करने के लिए कुछ टिप्स और कुछ रूल्स होते हैं जो आपको अपने हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। फर्स्ट टिप इज इंक्रीज योर वाटर इनटेक। अब आपको पानी बढ़ाना पड़ेगा अपना पीने के लिए। अगर आप 7 से 8 गिलास पानी पी रहे हैं रोज का, तो आप उसको बढ़ा के 10 से 12 गिलास पानी कर लीजिए, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से आपको पसीना ज़्यादा आएगा। पसीना ज़्यादा आने से आपका फैट बर्न होएगा, वो आपको बेली फैट बर्न करने में मदद करेगा। सेकंड पॉइंट इज स्टॉप ईटिंग जंक फूड। जंक फूड खाने से आपको और भूख लगती है, तो आप कैलरी मेंटेन नहीं कर पाते हो। कैलरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होती है अगर आप कैलरी डेफिशिएंट या फिर आप बेली फैट रिड्यूस कर रहे हो तो। थर्ड पॉइंट इज ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल। आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि ये आपकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। क्योंकि आप इनको खा सकते हो, लेकिन आपकी कैलरी मेंटेन रहती है और आपकी भूख भी मिट जाती है, मतलब आप स्टार्वेशन नहीं कर पाते। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट इज टेक अ गुड स्लीप। नाउ आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू टेक अ गुड स्लीप फॉर अबाउट 7 to 8 आवर्स डेली, बिकॉज अच्छी स्लीप लेने से टॉक्सिक निकलता है इन फॉर्म ऑफ स्टूल इन नेक्स्ट मॉर्निंग। नाउ फिफ्थ पॉइंट एंड अ गोल्डन रूल इज मेंटेन अ कैलरी डेफिशिट प्लान। अब अगर आपको बेली फैट रिड्यूस करना है, तो आपको कैलरी डेफिशिट प्लान पे ही बनना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कैलरी डेफिशिट प्लान नहीं करोगे, तो आपकी बॉडी या आपके फिजिक में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कैलरी डेफिशिएंट का मेरा मतलब है कि आप रोज़ 100 कैलरीज घटाएं। इनटेक कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप 1500 से सीधा 2000 कैलरीज या 2000 से सीधा 1500 कैलरीज कम कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी पे बहुत गलत इफेक्ट करेगा। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी बर्न करती है कैलरीज। बर्न करना मतलब आपको पसीना आता है एक्सरसाइज करते हुए, तो उसके ज़रिए आपका फैट परसेंटेज, आपका फैट रिड्यूस होता है। नाउ अब मैं ये बताऊंगा कि आपको कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, लाइक पावर योगा हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गई, कार्डियो एक्सरसाइज हो गई, क्रॉस फिट एक्सरसाइज हो गई, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कैन चेंज योर फिजिक। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू डू फॉलो दिस टिप्स, एंड फॉर मोर टिप्स यू कैन कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल फॉर सपोर्ट।